नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। कोविड-19 संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। देश के सामने इस पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रख चुकी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट कटौती का ऐलान किया। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो रेट 4.40% से घटकर 4% हो गई। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि पिछले 3 दिन में एमपीसी ने घरेलू और ग्लोबल माहौल की समीक्षा की। इसके बाद रेपो रेट में 0.40% की कटौती का फैसला लिया गया। लॉकडाउन में ये दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट पर कैंची चलाई। इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने 0.75% कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद बैंकों ने लोन पर ब्याज दर कम कर दिया था। आज की शक्तिकांत दास की बड़ी बातें क्या रही जो आपको फायदा पहुंचा सकती है? आरबीआई गवर्नर की बड़ी बातें। रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट। 6 बड़े औद्योगिक राज्यों में ज्यादातर रेड जोन रहे। मार्च में कैपिटल गुड्स के उत्पादन में 36% की गिरावट। कंज्यूमर ड्यूरेबल के उत्पादन में 33% की गिरावट। औद्योगिक उत्पादन में मार्च में 17% की गिरावट। मैन्युफैक्चरिंग में 21% की गिरावट। कोर इंडस्ट्रीज के आउटपुट में 6.5% की कमी। खरीफ की बुआई में 44% की बढ़ोतरी हुई। खाद्य महंगाई फिर अप्रैल में बढ़कर 8.6% हो गई। दालों की महंगाई अगले महीने में खासकर चिंता की बात रहेगी। इस 6 माही में महंगाई ऊंचाई पर बनी रहेगी, लेकिन अगले 6 माही में इसमें नरमी आ सकती है। 2020-21 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार $9.2 बिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी $487 बिलियन का है। 15,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन एक्सिम बैंक को दिया जाएगा। सिडबी को दी गई रकम का इस्तेमाल आगे और 90 दिन तक करने की इजाजत। इससे पहले आरबीआई के एक डायरेक्टर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे सतीश काशीनाथ मराठे ने मोदी सरकार के राहत पैकेज पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि 3 महीने का मॉरेटोरियम काफी नहीं है और एनपीए में नरमी को राहत पैकेज का हिस्सा होना चाहिए था। तो आप समझ सकते हैं कि रिजर्व बैंक के गवर्नर का आज का ऐलान और राहत देने में कामयाब होगा। देखना होगा कि इसका फायदा कितने दिनों के अंदर लोगों तक पहुंचता है।